दोस्तों, अगर आप किसी इमेज वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या फिर आप किसी इमेज वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, बट आपने अपने मन के अंदर पहले ये डर बना लिया है कि हमारी जो वेबसाइट है, इमेज वेबसाइट, वो इतनी जल्दी रैंक नहीं हो पाएगी गूगल पे, क्योंकि वहाँ पर कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और हाई DAPA की साइट वहाँ पर रैंक्ड हैं, तो उनसे हम कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे और अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं ला पाएंगे। तो गाइस, ये आपके अंदर का डर है, आपको इसे निकालना पड़ेगा। आप इसे निकालो, और निकालने के साथ साथ आज की जो हमारी वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह आप अपने आर्टिकल को, अपने जो आपकी इमेजेस हैं, उन्हें आप रैंक करा सकते हो गूगल पे। और आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि कैसे मैंने अपनी इमेजेस रैंक कराई हैं गूगल के फर्स्ट पेज पे। ओके, और साथ में आपको सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इमेज वेबसाइट के कीवर्ड्स के बारे में, कि आपको कौन से कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए। फ्रेशर अगर हो, आप इमेज वेबसाइट बनाए हो, बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको किन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए ताकि आपको बेटर और अच्छा रिजल्ट दिखे। ओके, क्योंकि पैसा बर्बाद करना किसी को नहीं अच्छा लगता है, टाइम बर्बाद करना, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो, वो आप लोगों, भाई जितने भी भाई हमारे हैं, आप लोगों, पैसा किसी का खराब करना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सीखो, ठीक है? पर उससे पहले आप प्रैक्टिकल देखो। तो जैसे कि हमारी ये आर्टिकल थी, जैसे मेरी वेबसाइट आप सबको मालूम होगा, गेट गैजेट है, ठीक है? तो गेट गैजेट मेरी वेबसाइट है। अब गेट गैजेट वेबसाइट की देखो, आर्टिकल जो है ये तो टेक्निकल वेबसाइट है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं रैंक तो नहीं कर पाऊँगा, मतलब जो है वो रैंक की रही बात, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, ठीक है? मतलब आर्टिकल जो है वो रैंक है, पर इमेजेस जो है वो भी मेरे रैंक है। अब देखो यहाँ पर, अब इमेज वेबसाइट है, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया लोको पायलट कैसे बने, अब यहाँ पर आओ, अब ये देखो, ये मेरा कीवर्ड है, मतलब ये मेरा इमेज है, थंबनेल है, लोको पायलट कैसे बने। देखो यहाँ पर रैंक है, गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक है, ठीक है? इमेज इमेज वाले पेजेस पे, ना कि आर्टिकल वाले पेजेस पे, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जो आर्टिकल हैं वो रैंक्ड नहीं हो रहे हैं, बट आपकी इमेजेस रैंक हो जा रही हैं, तो आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा ना, तो वो सीधे यहाँ पर क्लिक करेगा और इमेजेस के लिए, और सीधे वो आपकी वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं वो विजिट करेंगे, भले ही वो आपकी इमेज वेबसाइट पे आर्ट जो की मतलब जो आर्टिकल वाला पेज होता है, गूगल का जो पेज होता है, वहाँ से रैंक होके ना आए विजिटर, बट इमेज जो इमेज वाला कॉलम होता है गूगल का, जो गूगल सर्च इंजन में जो इमेज वाला दिया रहता है, वहाँ से अगर कोई विजिटर्स आ रहा है, तब भी आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, ठीक है? तो जैसे देखो, ये भी मेरा आर्टिकल है, यहाँ पर लोग आ जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ही यूनिक होती हैं, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, ठीक? तो देखो, ये चीज़ होता है, अगर आपका यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अधिकतर ब्लॉगर्स होंगे जिनकी इमेज वेबसाइट जो है गूगल पर, मतलब जो इमेज जो उनकी इमेज वेबसाइट्स हैं वो गूगल पर रैंक नहीं होंगी, बट उनके जो इमेजेस हैं वो रैंक हो चुकी होंगी। तो जो लोग, अब जैसे कोई सर्च करेगा गुड मॉर्निंग, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है, इमेज, अब बहुत कम ही लोग होते हैं, आपको मालूम होगा, आप याद करो जब आप बचपन में थे, जब आप कभी सर्च करते थे, चाहे वो कोई भी चीज़ सर्च करी हो, अधिकतर लोगों ने कई चीज़ें सर्च करी होंगी रातों में, ठीक है? तो देखो, चीज़ें सर्च करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब इमेज सर्च करते थे, तो आपको याद होगा आप कभी भी नीचे आके इन साइट्स पे क्लिक नहीं करते थे, वो तो अब आप इतने सिंसियर हो गए हो तो आपको मालूम है, बट वो सीधे बंदा इमेज पे जाता था, ठीक है? अब इमेज पे आने के बाद आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कई इमेजेस हैं तो होती थी। अब इसमें देखो, वहाँ पर जो जो साइटें अभी तक रैंक नहीं है, वो साइटें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है? अलग अलग साइटें दिख रही हैं, कोई एक इक्वल साइट आपको दिख रही है, कुछ ही साइट्स होंगी जो बिल्कुल इक्वल होंगी, बाकी सब जो है अलग हैं, ठीक? तो अगर आप यहाँ पर रैंक करा देते हो अपने आर्टिकल को अच्छे एल टैग बना के, तो आपको यहाँ से भी विजिटर्स मिलेंगे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, और CPC इमेज के जो कीवर्ड्स होती हैं उनकी भी CPC बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए आप जो है यहाँ के लिए भी अच्छे एल टैग के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं वो आप सीख लो मुझसे, ठीक है? और आर्टिकल के जो होते हैं, आर्टिकल लिखते हो वो कैसे रैंक करते हैं, और उसके जो कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीख लो, ठीक? तो देखो, सबसे अब चलते हैं कीवर्ड्स की बात करते हैं। जैसे कि आपको प्रैक्टिकल मैंने दिखा दिया कि इमेज वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक आता है, किस तरह आप इमेज वेबसाइट रैंक करते हो, ठीक? देखो, अब फिर से एक बार बता दूं कि जो ये वाली इमेजेस होती हैं, ये सब इमेजेस जो होती हैं एल टैग और अच्छे से कीवर्ड को सिलेक्शन, कीवर्ड सेलेक्ट करके उन्हें कीवर्ड जो
जो डाले जाते हैं एल टैग में, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में, इन सबको अगर अच्छे से प्रॉपर वे में डालोगे तो आपके जो आर्टिकल के जो मतलब इमेजेस होंगी वो रैंक कर जाएंगी। जैसे मैंने आपको अपने आर्टिकल की इमेजेस रैंक करके दिखाई थी, एक और दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छे से देखो, वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट आप समझ के जाओ। अब देखो CVI फुल फॉर्म, इस पे मेरा आर्टिकल है वो अभी तक तो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं है, वो सेकंड पेज के फर्स्ट उस पे पोजीशन पे रैंक है, बट इमेज देखना फोर्थ पोजीशन पे है। CVI फुल फॉर्म ये देखो, गेट गैजेट यहाँ पर रैंक है ना, अच्छे से मैंने एल डाला, कैप्शन डाला और उसके बाद नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन डाला, तब रैंक है, ठीक है? तो ये सब हो गया, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें थी, इन्हें किनारे करो। अब सीखते हैं कीवर्ड सिलेक्शन के बारे में। तो गाइस जैसे मैंने बात की इमेज, जो गुड मॉर्निंग इमेजेस की बात की, ठीक है? तो देखो गुड मॉर्निंग इमेजेस में कितना ट्रैफिक है, CPC भी है, बट कीवर्ड डिफिकल्टीज 13 है, तो इतनी जल्दी आप रैंक नहीं करा पाओगे। बड़े बड़े जो हाई DAPI की साइट है वो भी इतनी जल्दी रैंक नहीं करा पाएंगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कई बैकलिंक्स बनानी पड़ेंगी। अब जैसे कि ये बंदे की मैंने साइट्स खोली थी, अब इस बंदे देखो यहाँ पर कितना कॉम्पिटिशन है, कितनी बैकलिंक्स लगती हैं, पहले बैकलिंक्स देख लो, ठीक है? इमेज वेबसाइट में बिना की बैकलिंक्स के आप रैंक ही नहीं करा पाओगे, क्योंकि बैकलिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हाई की मतलब हाई जो SEO डिफिकल्टीज वाले जो कीवर्ड्स होते हैं वहाँ बिना बैकलिंक के नहीं रैंक करा पाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल थोड़ी ना लिख रहे हो, ठीक है? इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छे और बढ़िया काम करो। जैसे कि अब यहाँ पर देखो बैकलिंक देखो, अब कितने कितने बैकलिंक, कितने बनाओगे? ये सब जो कम वाली है वो हाई DAPI की है, इसलिए रैंक है। तो इसलिए आप ये जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, गुड मॉर्निंग इमेजेस, इन सबको आप मत सेलेक्ट करो, इन सबको छोड़ो। ये सब कीवर्ड जो है ना सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप चूज़ भी करोगे ना तो आप इतनी जल्दी रैंक नहीं कर पाओगे, बट इसकी जगह आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लोगे तो आप जल्दी रैंक कर जाओगे, वहाँ पर कॉम्पिटिशन कम होता है। जैसे गुड मॉर्निंग इमेज है तो इतनी जल्दी आप रैंक नहीं कर पाओगे, बट इसकी जगह आप थोड़े बड़े कीवर्ड्स लो, जैसे कि गुड मॉर्निंग इमेजेस विथ इंस्पायरेशनल, ठीक है? तो होता है क्वेट्स के साथ, ठीक है? तो अगर आप इस वेबसाइट पे जैसे कीवर्ड है, इस कीवर्ड्स पे काम करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो देखो 4,500 है, CPC भी 0.70 है, कई ज़्यादा है, और मंथली 100 मतलब लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या दो काम हो जाएगा, एक तो आपकी इमेज वेबसाइट्स के जो आप बनाओगे उसमें आप जो है इमेज वेबसाइट की जगह गुड मॉर्निंग इमेजेस जो है बनाओगे उसमें आप अपने क्विट्स डालो, जो सुविचार होते हैं वो डालो उसमें, ठीक है? इससे क्या होगा, जो पेज रैंक होगा तो वो सुविचार के लिए भी, क्विट्स के लिए भी रैंक हो जाएगा, गुड मॉर्निंग क्विट्स के लिए भी रैंक होगा और गुड मॉर्निंग इमेज के लिए भी रैंक होगा, क्योंकि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं उसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के लिए भी रैंक कर जाते हैं। और आप अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मैं अपने वेबसाइट के वेब मास्टर टूल पे ले चलता हूँ, ठीक है? अब जैसे वेब मास्टर टूल का मेरा प्रोफाइल है गेट गैजेट का, अब देखो यहाँ पर मैंने CVI फुल फॉर्म इन हिंदी पर रैंक कराया है, जाके अभी भी आप देख सकते हो, ठीक है? आप मेरे वेबसाइट पे जाओ, रह देख लो, पर यहाँ देखो CVI फुल फॉर्म पे लिए रैंक है। इंग्लिश बोलना कैसे सीखे के लिए मैंने रैंक कराया, बट इंग्लिश बोलना सीखे, IPS बने, तो यहाँ पर शॉर्ट के लिए, अगर लॉन्ग के लिए तो रैंक होगा ही होगा, उसके साथ साथ शॉर्ट के लिए भी रैंक हो जाता है, ठीक है? फुल फॉर्म ऑफ CVI और भी कई चीज़ें हैं जो इसके लिए रैंक हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप बिगनर हो, आप बिल्कुल नए हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, इमेज वेबसाइट में, तो आप शॉर्ट कीवर्ड्स पे काम ना करके लॉन्ग के जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उन पे काम करो। जैसे आप इस पे काम कर सकते हो, गुड मॉर्निंग इमेज क्विट्स इन इंग्लिश विद इमेज, ठीक है? तो लॉन्ग आप इमेज बनाओ, इमेज पे आप अच्छे से शायरी लिखो, क्विट्स लिखो, उसे रैंक करो। अब जैसे कि ये देखो हिंदी सोच एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसकी भी है अच्छी है। अब देखो इस बंदे ने क्या किया ना कि डबल ट्रैफिक ले रहा है ये, कैसे? इसने इमेज के ऊपर ये क्विट्स अपनी डाली, अब क्या है कि इमेज जो है वो रैंक होगी, साथ ही साथ ये आर्टिकल रैंक हो जाएगा किसके लिए, सुविचार के लिए। तो सुविचार लोग पढ़ने आएंगे तो वो सुविचार, नीचे सुविचार भी देखेंगे, ऊपर इमेज भी देखेंगे, इससे क्या होगा कि ट्रैफिक ये बंदा डबल जगह से उठा रहा है, अर्निंग भी डबल कर रहा है, और आर्टिकल एक ही है। तो अगर आप यही काम खुद करोगे शुरू के दिनों में, 100 आर्टिकल 200 आर्टिकल तक आप अगर करोगे तो आप भी एक साल के अंदर अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट कर लोगे, ठीक है? तो इतना ही सीखो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करो अगर आप बिगनर हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की जगह जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उन्हें पकड़ो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में भले ही ट्रैफिक कम है बट शॉर्ट टेल कीवर्ड के लिए जल्दी रैंक होते हैं। जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड में अगर आप
इस कीवर्ड में आपके आर्टिकल नंबर वन, नंबर टू या नंबर फर्स्ट पेज पे कहीं भी रैंक हो गया, तो गुड मॉर्निंग इमेज के लिए रैंक होना ही होना है। उसके बाद अगर कोई सर्च करता है गुड मॉर्निंग क्विट्स, तो गुड मॉर्निंग क्विट्स के लिए भी आपका आर्टिकल जो है वो रैंक कर जाएगा। गुड मॉर्निंग इमेज इन इंग्लिश इमेज, ठीक है, जैसे कोई सर्च करेगा गुड मॉर्निंग क्विट्स इन इंग्लिश तब भी रैंक कर जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मुझे मालूम है, मैंने की है और मैंने देखी भी है प्रैक्टिकल। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बस सब्सक्राइब करो चैनल, आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, सीखो। इमेज वेबसाइट जो है इतनी जल्दी रैंक नहीं होती हैं, इसलिए आप इमेज वेबसाइट के लिए जो कीवर्ड्स हैं उन्हें लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करो। लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करोगे तभी आप रैंक कर पाओगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप जल्दी रैंक भी नहीं कर पाओगे। कई वेबसाइट्स हैं, कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें आपको दिखाई भी, ये सब चीज़ें हैं, आप देखो। ओके, तो ये सब चीज़ें आप सीखो, ये सब चीज़ें जो हैं करना पड़ेगा आपको। अब जैसे इस बंदे ने सीधे खाली इमेज पे ही वर्क करके डाल दिया और इसने इमेज भी बहुत डाली है, अब इससे होगा क्या कि इमेज तो रैंक हो गई, इमेज से ट्रैफिक आएगी, अगर ये आर्टिकल रैंक हो गया तो आर्टिकल से भी ट्रैफिक आएगी। तो ये चीज़ होता है इमेज वेबसाइट और आर्टिकल वेबसाइट में, ठीक है। अगर आप दोनों के लिए काम करोगे एक ही चीज़ पे तो दोनों जगह से ट्रैफिक आएगा, अच्छी अर्निंग जनरेट करोगे। बट अगर आप खाली इमेज ही डाल के उसे रैंक करोगे तो ट्रैफिक तो आएगा बट कम ट्रैफिक आएगा, इसलिए दोनों पे ही काम करो, ठीक। और कीवर्ड सेलेक्ट करने के लिए एचरफ टूल बाय करो, एचरफ टूल के बिना आप अपने आर्टिकल को रैंक नहीं करा सकते। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सीखो और करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।